सदन में राज्यपाल महोदय के कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, जनता का सेवक होने के नाते आज सदन में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस वर्ष देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न की उपाधि देने के साथ ही प्रदेश की भी 4 विभूतियों को पद्मश्री देने का जो निर्णय लिया गया है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की विकास दर 16% से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सभी जनहितैषी योजनाएं जारी हैं, कोई भी हितग्राही मूलक योजना बंद नहीं होगी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि 2028 का सिंहस्थ हम सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। भगवान राम वन गमन पथ, कामता नाथ की परिक्रमा सहित मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के सर्वांगीण विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में गिज इंडिया एवं साइमंस इंडिया के साथ संचालित इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंतर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय आईटीआई में इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में प्रदेश की बेटियों को विभिन्न संस्थानों में जॉब के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आईआईटी दिल्ली का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन लाने का एमओयू किया है, इससे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की एक अलग ही पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित 96वीं स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित होने पर पर्यटन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज वित्तीय वर्ष 2024-2025 का लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। लेखानुदान 4 माह 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए है।